सियासत करने का सोचते हैं। आप न सिर्फ सियासी बल्कि रूहानी समाजी हर लिहाज से आप हमारे सरकर्ता हैं। हम अपनी कुर्बानी में आप सबके आपके लिए दे, मगर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बनेंगे और आप इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। मेरी आपसे तो गुजारिश है कि जब इंशाल्लाह मेंबर पार्लियामेंट बन के जाए तो आप सीता पीर बयान के लिए आप रेलवे लाइन की जो है वो हमारी जो मांग है वो आप रेलवे लाइन की बात करेंगे, आप उसमें मेडिकल कॉलेज के लिए बात करेंगे। जिम्मेदारी के सिलसिले में ओडिशा में था, दो दिन तीन दिन पहले ही राहुल गांधी जी की वहां रैली हुई और फिर उसके एक दिन बाद करके साहब की भी रैली, और जम्मू कश्मीर की बात हुई तो उनको जम्मू कश्मीर की फिक्र थी और जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने चर्चा की कि जम्मू कश्मीर से हम कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया इंशाल्लाह हम जम्मू कश्मीर की पांच सीटें इंडिया वाइज की इंशाल्लाह चार जून को इंशाल्लाह इंडिया वाइज की सरकार बनेगी। आज ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन पार्टियों के इख्तलाफात से और मामला के इख्तलाफात से मजहब और जात के इख्तलाफात से ऊपर उठ के मुल्क को बचाने की लड़ाई है, मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन है, इस मुल्क के आइन को बचाने की लड़ाई है। इस मुल्क में कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं बर्फबारी होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं कोई तामिल बोलता है, कहीं कोई कन्नड़ बोलता है, कहीं कोई कश्मीरी बोलता है, कहीं कोई बोलती बोलता है, कहीं कोई पहाड़ी बोलता है। इन सबको इस गुलदस्ते को वही रखना बहुत जरूरी है, इस मिल को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इंडिया अलायंस की जरूरत पड़ी, इसीलिए इंडिया अलायंस की सरकार आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो लोग काबिल हैं आज इस मुल्क में वो फिर का वापस आते हैं, वो इस मुल्क को पांटना चाहती है, वो आइडिया इंडिया के खिलाफ है, वो आइन के खिलाफ है। मैं ये भी बताता चलू आपको दोस्तों, गुजरों को भी पहाड़ियों को भी, वो इस रिजर्वेशन के भी खिलाफ है। ये वक्तन तौर पे वक्तन को अपने बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जब ये लोग दोबारा काबिज हो जाएंगे इस मुल्क पे, ये इस मुल्क की एससी के भी खिलाफ है, ये इस मुल्क की एससी के भी खिलाफ है, ये इस मुल्क के गरीब सिद्धू के भी खिलाफ है, ये सिर्फ सबसे अमीर लोगों के हैं, ये सब छीन कर अपने पास रखेंगे। इसलिए ये गलत फहमी दूर करना बहुत जरूरी है। आज हमारे रियासत से सब कुछ हमारा छीन लिया, हमारी स्टेट को छीन ली, हमारी रोगियों का हक हमारे नौजवानों से छीन लिया, हमारी जमीन का हक हमसे छीन लिया, और आज बीजेपी अलग अलग तरीके के हर जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इसकी तरफ भी ध्यान रखना है कि आज बीजेपी जो होता है हम फेल हो चुके हैं, वो तो अपने कैंडिडेट दे नहीं पाए। आप लोग को मुबारक हो, आपने उनके जो इरादे थे उनको कमजोर किया, मगर प्रवासी पार्टी देने का काम कर रहे हैं, तो एक टीम भी टीम है उनको आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो उनका इरादा भी जो है नाकाम करना। मैं मुख्तसर करूंगा क्योंकि पुंछ में भी जलसा है और आज भी अल्ताफ साहब को भी आपको सुनना है। मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो जो राहुल गांधी जी ने करके साथ को इंडिया अलायंस के जो पूरे फारूक साहब ने सबने जो मिलकर न्याय पत्र जो गारंटी दी है आप सबको पता होगा, नौजवानों के लिए महिलाओं के लिए वो इंशाल्लाह सब सरकार करने के बाद मिलेगी। मेरी गुजारिश है मियां अल्ताफ साहब आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है, आप हमारे नौजवान पीढ़ी सियासी लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है, आप एक रास्ता है, आप उस किरदार के मालिक हैं जिसको हम देख सियासत करने का सोचते हैं। आप न सिर्फ सियासी बल्कि रूहानी समाजी हर लिहाज से आप हमारे सरकर्ता हैं। हम अपनी कुर्बानी में आप सबके आपके लिए दे, मगर आपको कोई रोक नहीं सकता।
आप बनेंगे और आप इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। मेरी आपसे दो गुजारिश है कि जब इंशाल्लाह आप मेंबर पार्लियामेंट बन के जाए तो आप सिंधा पीर बाजार के लिए आप रेलवे लाइन की जो है वो हमारी जो मांग है वो मेडिकल कॉलेज के लिए बात करेंगे। आप इंशाल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की जो फ्यूचर है मुस्तकबिल है उसको बेहतर करने के लिए आप हर तहसील में केंद्र विद्यालय की इंशाल्लाह बात करेंगे। आप जो ओबीसी तबका है जो ओबीसी तबका पिछड़ा हुआ है जिसके लिए राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि आप विनती करेंगे मुल्क में किसका कितना हिस्सा है उसको उतना हक मिलेगा आप उसकी भी इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं सिर्फ इंशाल्लाह कहूंगा कि हमने इंशाल्लाह सुरनकोट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्ताफ साहब के सामने मेरी बात रखना चाहता हूं कि हमने लोगों की खिदमत की है हमने काम किए हैं हमने डेवलपमेंट की है और सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि आज आप और हम सब जिस स्टेडियम में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेडियम मैंने बनवाया और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि आज जो स्टेडियम मैंने बनवाया उसकी शुरुआत आज आपके जलसे से हुई आपके ऊपर आपका पूछ से हुई क्योंकि इस बात की खुशी वैसे हम आखिर में ये कहूंगा कि जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे कहीं गुजर के नाम पे कहीं पहाड़ी के नाम पे वो हम नहीं होने देंगे और सुन लोगों में इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि इस जमान को कभी सहरा नहीं होने दूंगा इस जमान को कभी सहरा नहीं होने दूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा जब तक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है जब तक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है आपकी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं कुछ नारा बोलूंगा उसका गौरव आप उठा के जोर से आपको नारा दे रहा है जनाब राहुल।